नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया नॉलेज शो में। दोस्तों आज बात करेंगे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया 5 बिलियन में 5 बैटरी ले रहा है S-400 मिसाइल सिस्टम की रसिया से। लेकिन दोस्तों भी पिछले कुछ ही दिनों में एक न्यूज़ आई है कि इसकी पेमेंट एडवांस में कर दी गई है, और भी पेमेंट की गई है इंडियन रुपीज़ में। वो इसलिए ऐसा किया गया है कि इंडिया और रसिया को ऐसा लगता है अगर हम US डॉलर यूज़ करते हैं तो शायद है कि हमें अमेरिका का काटसा के तहत कुछ सैंक्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो इस सैंक्शन को बाईपास करने के लिए इंडिया और रसिया के ऑफिशियल ने कुछ मास्टर प्लान बनाया, और अब ये पेमेंट हो चुकी है, वो भी इंडियन रुपीज़ में हुई है। पेमेंट दोस्तों इस तरह हुई है, रसिया की एक बैंक है दिल्ली में, वहाँ पर इंडियन ने रुपी में पेमेंट किया है उस बैंक के अंदर। अब वो बैंक वाले क्या करेंगे, उस रुपी को रूबल में कन्वर्ट करके पेमेंट रसिया को कर देंगे। तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये होगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, मतलब हमारा काम भी हो जाएगा और हमें किसी प्रकार का कोई सैंक्शंस से डरने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी अमेरिका की तरफ से। दूसरी बात दोस्तों, आप सभी को पता है कि S-400 जहाँ पर भी उसे तैनात करते हैं वो आसपास के 400 मीटर के एरिया को पूरा डिफेंस करता है, पूरा रक्षा करता है। मतलब उसके 400 किलोमीटर के रेंज में कोई भी मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से दागी जाती है तो ये S-400 मिसाइल सिस्टम उसको हवा में ही उड़ा देता है, ख़त्म कर देता है। तो इंडिया ऐसी 5 बैटरीज ले रहा है जहाँ हमें लग रहा है कि पहली जो बैटरी है वो डेफिनेटली है पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही तैनात की जाएगी, और फर्स्ट डिलीवरी हमें मिलने की उम्मीद है 2020 के मिडल में या 2020 के थोड़ा एंडिंग से पहले, और टोटल 5 मिलने वाली है। उसके बाद एक एक करके हर साल मिलेगी, मतलब टोटल डिलीवरी 2020 से लेके 2025-26 के आसपास सभी 5 बैटरीज हमें मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये 5 बैटरी आ जाएंगी तो हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया मैक्सिमम बैटरी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात करेगा। उसके बाद जो एक या दो जो भी हो सकेगा वो शायद चाइना के बॉर्डर पर तैनात करेगा। चाइना भले हमको आग दिखाता हो लेकिन चाइना बहुत समझदार आदमी है, वो कभी भी किसी पे हमला नहीं करेगा जल्दी, वो सिर्फ होल पट्टी दे सकता है, लेकिन हमला करने के बाद बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसको मालूम है उसकी पूरी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे चलती है। एक्सपोर्ट पे चलने का मतलब ये है कि किसी पे भी हमला करता है तो डेफिनेटली है कि उसका एक्सपोर्ट पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। खासकर इंडिया जो सबसे बड़ा बाज़ार है वो कभी भी इसको खोना नहीं चाहेगा। दोस्तों इसी के साथ में एक न्यूज़ और अपडेट कर देता हूँ आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है पाकिस्तान का जो फाइटर प्लेन था F-16 जिसे अपने विंग कमांडर अभिनंदन ने मार गिराया था, शॉट डाउन किया था, वो तकरीबन 6 महीने के बाद वो वापस इंडियन एयरफोर्स में लौट आए हैं। उन्हें कल देखा गया है इंडियन एयरफोर्स चीफ BS धनोआ के साथ MIG21 उड़ाते हुए। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। थैंक यू दोस्तों, आपको मेरा एफर्ट कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।